नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी हरियाणा पर मैं हूं आपके साथ कोमल राव हरियाणा के मेवात क्षेत्र में आज भारी बवाल हो गया विश्व हिंदू परिषद में इस संगठन से जुड़े बजरंग दल मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की ओर से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के नू जिला मुख्यालय पर पहुंचने पर पथराव हो गया एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव के अलावा गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया तथा कई वाहन फूक दिए गए बवाल उस समय हुआ जब यात्रा नल्लड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की ओर से रवाना हुई थी बवाल के दौरान कुछ लोगों के मारे जाने में कईयों के घायल होने की सूचना मिल रही है हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से अभी एक मौत की पुष्टि की गई है एनजेपी की टीम ने यात्रा में शामिल कुछ लोगों से बात की लोगों का कहना है कि मंदिर में हिंदूवादी दलों के हजारों लोग फंसे हुए हैं समुदाय विशेष के लोग पथराव करने में लगे हुए हैं इसी कारण यात्री अपनी यात्रा छोड़कर मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए घटनाक्रम कैसे हुआ इसकी आधिकारिक जानकारी तो जांच के बाद ही सामने आएगी लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने जानबूझकर झगड़ा करने के लिए पहले हिंदुओं की इस यात्रा में शामिल लोगों से कहासुनी सुनी की मगर थोड़ी ही देर बाद यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया अहम सवाल यह उठ रहा है कि अचानक इतनी भीड़ कहाँ से पहुंची और उनके पास एक साथ इतने पत्थर कहाँ से आए खैर इस बवाल की ठोस वजह बेशक बाद में सामने आएगी मगर इस घटना के साथ ही यह तय है कि ब्रजमंडल में पहले से ही जलने लग रहा भाईचारा राख हो गया इस घटना की सब अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं किसी की नजर में यह भगवा यात्रा पर प्रहार है तो किसी की नजर में धार्मिक यात्रा पर मगर यहाँ सवाल नाम का है ही नहीं बात पथराव और गोलीबारी की है ऐसा होना निश्चित रूप से अपराध है क्योंकि हर किसी को अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने का संविधान सम्मत अधिकार है यह बात भी कही जा रही है कि एक दिन पूर्व मोनू मानेसर ने इस यात्रा में अपनी टीम के साथ शामिल होने की जानकारी का वीडियो जारी किया था मोनू के पास हरियाणा में प्रांत गोरक्षा प्रमुख का दायित्व है यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की भरतपुर जिला पुलिस की टीम इसी सूचना के बाद मोनू को पकड़ने के लिए नू पहुंची हुई थी हालांकि मोनू के इस यात्रा में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई यहाँ यह बता दें कि मोनू मानेसर पर भरतपुर जिला निवासी नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप में राजस्थान पुलिस को काफी समय से वांछित है नासिर और जुनैद की भिवानी में उनकी ही गाड़ी के अंदर जिंदा जलाकर हत्या की गई थी कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मोनू मानेसर यात्रा के दौरान पहुंचा था मगर एनजेपी मोनू के पहुंचने या न पहुंचने की पुष्टि नहीं कर रहा है क्योंकि सब कुछ सुनी सुनाई बातें बाहर आ रही हैं समाचार लिखे जाने तक मेवात में इंटरनेट सेवाएं भी बंद किए जाने की सूचना है बवाल को देखते हुए कई जिलों की पुलिस नू भेजी गई है हरियाणा के मेवात में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है हम यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि मेवात के नल्लड महादेव में अन्य मंदिरों तक जाने वाले श्रद्धालु किसी एक स्थान से नहीं बल्कि हरियाणा के विभिन्न स्थानों से आए थे हमारी साथी शैली शर्मा ने रेवाड़ी से नू की ओर जाने वाले काफिले का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद के रेवाड़ी जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल से धारेड़ा के पास बात की आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है और आपका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मेवात यात्रा जा रही है अपने नल्लड़ महादेव मंदिर से होती हुई पहले नल्लड़ महादेव शिव मंदिर में जाएगी उसके बाद श्रृंगार मंदिर पुराना जाएगी उसके जीर मंदिर माँ दुर्गा देवी जाएगी क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका मकसद क्या है इस यात्रा का इसका मकसद ये है जैसे हम अपने पुराने घर को छोड़ देते हैं पुराने घर में दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं तो हमारे कृष्ण भगवान ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी पांडव काल में तो हम लोग वहाँ जाना भूल गए थे हम उन्हें विश्व हिंदू परिषद ने तीन साल से ये मुहिम चलाई है अपना घर है अपना धर्म है उसको बरकरार रखा जाए लोगों को बताया जाए ये हमारी संस्था है ये आस्था है इस आस्था को दोबारा ध्यान किया जाए हमारे महादेव के मंदिर में है जैसे कृष्ण भगवान का श्रृंगार मंदिर था हम लोग वहाँ इसलिए उन मंदिरों को दोबारा से देख रहे हैं यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी क्या हिंदुओं का महत्व कम हो गया है अब यात्रा की ऐसे जरूरत पड़ेगी कि हिंदू वहाँ सौ गाँव में लोग भैंसे समझो कुछ भी समझो या उनके साथ अत्याचार समझो सौ गाँव में हिंदू हो चुके हैं तकरीबन एक आठ परसेंट है और हमें इसके लिए देखना पड़ेगा थैंक यू मेवात में हिंदुओं के पलायन का दर्द उनके मन में था मगर अहम सवाल यह है कि क्या सोमवार को नूह में हुई गोलीबारी में पथराव की घटनाओं से भाईचारा बढ़ेगा या खाई और चोड़ी होगी इसका जवाब यह है, है कि खाई और चोड़ी होगी ऐसी स्थिति में दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा और भाईचारा बनाना होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बातचीत के अंत में राधेश्याम मित्तल जो कह रहे हैं वैसी आशंका बनी रहेगी मेवात में मस्जिदों का सम्मान है तो मंदिरों का भी होना चाहिए यह मेवात के बहुसंख्यक समाज यानी मेव की जिम्मेदारी है समुदाय विशेष की हिंसा के कारण मेवात क्षेत्र में फंसे हिंदुवादी संगठनों से जुड़े हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी नू जिला मुख्यालय पर पहुंच गए हैं विभिन्न जिलों से पहुंची पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है इस बीच कई पुलिसकर्मियों व होमगार्ड के जवानों के घायल होने की खबर है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार शांति बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जलाए गए वाहनों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस के वाहनों को भी नहीं बख्शा आज के लिए बस इतना ही इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा